Hello all, welcome to the session. In this session, we'll discuss the application based numerical about the power equation of type y is equal to ab raised to x. So application based numerical किस तरीके से आपको solve करना है, किस तरीके से आपको power equation का जो type है y is equal to ab raised to x, उसके related आपको application based numerical किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. Or you can consider this numerical is an important numerical for the end sem exam point of view. So more towards the numerical, already हमने last session में power equation के related numerical solve किया है, जो कि एक basic numerical था power equation के related. Power equation का जो form है वो हमने देखा था y is equal to ab raised to x. So इस session में भी हम उसी फॉर्मूला या फिर उसी इक्वेशन टाइप के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. पावर इक्वेशन में और एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. सो हियर दिस इज द न्यूमेरिकल. सो फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली बिकॉज द न्यूमेरिकल इज एप्लीकेशन बेस्ड. सो हियर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया n इन कल्चर आफ्टर t आवर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स. मतलब बैक्टीरिया n नाम का कोई बैक्टीरिया है, उसका ग्रोथ का जो डेटा है वो हमें दिया है न्यूमेरिकल में. मतलब जैसे आवर बाय आवर वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया कल्चर में, उसका डेटा है. जैसे एक घंटे बाद 47 बैक्टीरियाज हो गए, उसके बाद 2 आवर्स बाद 65 उसका नंबर चला गया, 3 आवर्स बाद 92 हो गए. उस तरीके से ये डेटा हमें दिया है. एंड पूछा है उसमें फिट अ कर्व ऑफ द फॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू ए बी रेस टू टी. हियर दिस इज द इक्वेशन गिवन इन द न्यूमेरिकल. कैपिटल n इज इक्वल टू ए बी रेस टू टी. सो अगेन ये इक्वेशन उसी फॉर्म का एक टाइप है, उसी तरीके से आप लिख सकते हो जो y इज इक्वल टू ए बी रेस टू x, राइट. सो यहाँ पे जो y है वो n है, मतलब बैक्टीरिया बोला है, और ये जो x है उसे वहाँ पे बोला है t, राइट. सो ये जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला के थ्रू बन रहा है. बिकॉज लीस्ट स्क्वायर टेक्निक हम उसी के लिए कर्व फिटिंग यूज करते हैं टू गेट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट. एंड एस्टिमेट n व्हेन द t इज इक्वल टू 4.5 एंड t इज इक्वल टू 7, राइट. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशन, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b कॉन्स्टेंट, जो हमें इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दो कंडीशंस में n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब t की वैल्यू होगी 4.5 और t की वैल्यू होगी 7, राइट. तो सिंपली जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t इनटू दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. सिमिलरली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 7 इनटू दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, राइट. दैट इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. So starting from the given, write down the given. Given के लिए हमें equation दिया है capital N is equal to a b raised to t. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं where capital N is equal to y and t is equal to x, right. So हम इस equation को इस form में लिख सकते हैं y is equal to a b रेस टू x. आपको पता है अभी इस इक्वेशन को आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग लॉग टू द बोथ साइड, राइट. सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग ऑफ बोथ साइड. फिर से वही आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म, जैसे लॉग टू of y is equal to log to the base 10 e b raised to x. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. log to the base 10 y is equal to log to the base 10 a plus log to the base 10 b raised to x, right. और सिंप्लीफाई अगर हम इसे करेंगे तो log to the base 10 y is equal to log to the base 10 a plus x multiply by log to the base 10 b, राइट। इसके बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इस टर्म को बोलेंगे कैपिटल वाई, इस टर्म को हम बोलेंगे बी डैश, स्मॉल एक्स को हम बोलेंगे कैपिटल एक्स, और ये जो लॉग टू द बेस 10 बी है इसको, सॉरी लॉग टू द बेस 10 बी है इसको हम बोलेंगे ए डैश, राइट। सो दैट्स हाउ दिस equation, power equation is converted to the straight line equation. Now here we again know the like equation of general equation of straight line, that is a summation of x plus n b is equal to summation of y, and a summation of x square plus b summation of x is equal to summation of xy. Here n is equal to 1 2 3 4, n is equal to 7, n is equal to 7 जो कि न्यूमेरिकल में दिया है, राइट। तो इसी तरीके से हम इसे ये इक्वेशन बनाने के लिए फिर से हमें सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सेकंड स्टेप इज टू मेक अ टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ दिस समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ वाई, राइट। सो यहाँ पे मैं फिर से टेबल पे चलता हूँ। सो टेबल आपको पता है स्ट्रेट लाइन के केस में टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सारी वैल्यूज़ जो कि होंगी t, जिसको हमने x बोला है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएगा सारी कैपिटल N की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे आएगा कैपिटल Y जो कि है log टू द बेस 10 N, राइट। log टू द बेस 10 N मतलब ये देखो यहाँ पे log टू द बेस 10 n मतलब यहाँ पे ये n है क्योंकि हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू वाई कंसिडर किया है, बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे log टू द बेस 10 से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं y x कैपिटल y और यहाँ पे x स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सारी वैल्यू x की 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड लास्ट इज 6। n की वैल्यू होगी 32, उसके बाद होगा 47, फिर दिया है 65, फिर है 92, फिर है 132, फिर 190, फिर है 275। अभी कैपिटल Y कैसे बनेगा आपका log टू द बेस 10 n मतलब log ऑफ 32, सो वो आएगा आपका 1.5051। सिमिलरली 1.602720, यहाँ पे 1.8129, यहाँ पे आएगा 1.9637, यहाँ पे आएगा 2.1205, यहाँ पे आएगा आपका 2.2787 एंड द लास्ट इज 2.4393। ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने कैलकुलेट करके रखी है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सिमिलरली x मल्टीप्लाई बाय y यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1.6720। x मल्टीप्लाई बाय y मतलब ये जो x आपको दिया है ये और मल्टीप्लाई बाय y, राइट। तो ये आपको मिलेगा वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 3.6258, नेक्स्ट इज 5.8911, दिस इज 8.482 and this one is 11.3935 and the last one is 4.6358, right। x square को यहाँ पे लिखोगे 0 का square 0, 1 का square 1, 2 में यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 16, 25 and 36। अभी इन सारे जो रिक्वायर्ड टर्म्स है उसका समेशन करेंगे। समेशन ऑफ एक्स हमें लगता है, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स लगता है, तो यहाँ पे वो आएगा 21। एन की ज़रूरत नहीं है तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमें कैपिटल वाई चाहिए। तो ये आपका होता है 13.8020, राइट। उसके बाद ये में आपको मिलेगा 47.70 और ये आपको मिलेगा 91, राइट। तो उसके बाद आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, a डैश समेशन ऑफ x प्लस n b डैश इज इक्वल टू summation of capital Y. This is first equation. Second equation is A dash summation of capital X square plus B dash summation of X is equal to summation of capital X multiplied by Y. This is second equation. Now we have all the values, like summation of X हमने calculate किया है, summation of X square calculate किया है, summation of XY calculate किया है, तो वो value put करेंगे हम यहाँ पे, तो वो हमें मिलेगा value 21 A dash plus 7 B dash is equal to 13.8020. ये third equation मिलेगा. Fourth equation हमें मिलेगा x square कितना दिया, x square is equal to 91, so 91 A dash plus 21 B dash is equal to 45.70. So this is the equation number 4, right? So again convert this equation into the matrix form and solve by using the Gauss elimination method, right? So matrix form mein main likhta hu, matrix form mein main likhunga 21 7, uske baad yahan pe main likhunga 91 aur 21, right? Yahan pe main likhunga A dash B dash and is equal to equation ke constants hai 13.8020 and 45.70, right? So इसको आप solve करिएगा, आपको A dash और B dash की value मिल जाएगी. So A dash is equal to 0.1533 and B dash is equal to 1.5116. So A dash और B dash से हम A और B कैलकुलेट कर सकते हैं, तो A और B आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा A इज इक्वल टू 10 रेज़ टू B डैश और B इज इक्वल टू 10 रेज़ टू A डैश, राइट? सो 10 रेज़ टू B डैश हमने कैलकुलेट किया है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 रेज़ टू 1.5116. तो ये मुझे वैल्यू मिलेगा A का. सो जो A इज इक्वल टू 32.4747, राइट? सिमिलरली हियर 10 रेज़ टू 0.1533, सो हियर द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 1.42. सो A और B से हम इक्वेशन लिख सकते हैं. Y is equal to a b raised to x है, a b raised to x, और जो इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल में दिया है वो कौन सा इक्वेशन है? यू कैन सी द इक्वेशन n is equal to a b raised to t, और हमने x is equal to t बोला है और n is equal to y बोला है, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं उस तरीके से उसे. कैपिटल N is equal to इक्वेशन क्या था, a b raised to t, राइट? सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू 32.47 मल्टीप्लाई बाय 1.42 रेज़ टू t. दिस इज द फर्स्ट आंसर, राइट? अभी सेकंड में हमें क्या पूछा है, आप न्यूमेरिकल देख सकते हो. व्हेन N इज एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ N when t is equal to 4.5 and t is equal to 7. तो आपको इस इक्वेशन में बस t की वैल्यू पहले 4.5 डालनी है और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सेकेंड टाइम आपको t की वैल्यू 7 डालनी है और n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट? सो हियर फर्स्ट इज व्हेन t इज इक्वल टू 4.5, राइट? n इज इक्वल टू 32.47 multiplied by 1.42 raised to 4.5. so calculate N. so N is equal to 157.31. and second case में when t is equal to 7, N is equal to 32.47 multiplied by 1.42 रेज़ टू 7. सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 378.00. सो दिस इज द सेकेंड आंसर. राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम आपका 4.5 आवर्स हुआ होगा तब जो n बैक्टीरिया है वो 157 इतने नंबर्स उसमें बढ़ गए होंगे, मतलब इतना ग्रोथ हुआ होगा। सिमिलरली व्हेन द टाइम इज 7 आवर्स सो द बैक्टीरिया काउंट इज 378 राइट। सो इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस, ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल। इसमें आपको एक केस दिया था कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी और उसके ऊपर आपको पावर इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट करना था राइट। सो आई होप कि ये भी इक्वेशंस, ये भी सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।